राधे राधे फलासम एंड हाउ दे ऑपरेट तो बहुत ही सलाह हरामी चार सौ बीस आदमी है और मीठा है इतना भाई साहब इतना मीठा कि आपके जो कानों में ना शक्कर हो है ना वैसे आपको साउंड करेगा तो चलो हम आपको कहानी सुनाते हैं तो इन्होंने ऐसे ऐसे लोग रख रखे हैं भाई साहब ये सब बोलते हैं कि इंडस्ट्री बोलती है मोदी 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 अरे व्हाट मोदी मैन यू गॉट फोर हंड्रेड ट्वेंटी सारे अलीबाबा और चारे चोर आलोक फैशन वही है अलीबाबा है आलोक और उसके नीचे जो है कोई कानपुर का ठग बना रखा है कोई बनारस के ठग बुला रखे हैं सब ऐसे ही जो है लोग बुला रखे तो ये क्या करते हैं कि माशे इनके काम तो है नहीं बस का मतलब एक्सपोर्टर है तो जहाँ पे भी एक्सपोर्ट करते हैं सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं अब जब सब स्टैंडर्ड मटेरियल एक्सपोर्ट होते हैं तो हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है रिजेक्ट हो जाता है तो उनके ऊपर फॉरनर्स आर वेरी वेरी पर्टिकुलर इफ़ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक अस्टेक डिडक्ट द मनी सो इफ देव गिवन यू अर्डर ऑफ लेट से टेन लाख रुपीज एंड यू मेड इट सब स्टैंडर्डक टेन परसेंट ऑफ इट दे गिव यू नाइन लैक तो भाई इनको डेबिट लगता रहता है हर बार तो बहुत सारे क्लाइंट्स आए और बहुत सारे क्लाइंट्स को बेवकूफ बना के फंसाया बिकॉज देर इज नो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड देर इज नो लैक देर इज इवन लैक ऑफ एड्रेसिंग ग्रीवियंसेज और लोगों के साथ जो चार सौ बी करी है भाई इंडियन अथॉरिटीज देयर इज नो फोरम वेयर यू कैन एड्रेस कि भाई मेरे साथ ये चार 400बीसी करी है बताओ इसका क्या रेमेडी है हम्म hmm. क्योंकि ये कंपनी वाले सोचते हैं कि भाई हमारा जो से है दैट इज दी फाइनल से अनलेस अनटू यू टेक देम टू कोर्ट अब कोर्ट में लेके जाओ तो भैया आपका सिविल मैटर कोर्ट में 10 साल में सॉल्व होता है तो वही इंडिया में वो सोचते हैं यार कोर्ट में कौन जाएगा इससे अच्छा तो भैया चालीस पचास हजार रूपये कोर्ट में लग जाएंगे तो इससे अच्छा भैया रहने दो सो दिस इज एन एडवांटेजिशन फॉर कंपनी ओनर्स क्योंकि उनको पता है यार अगर हम चालीस पचास हजार रूपए दबा दें किसी के तो कोर्ट जाएगा फीस देगा ये करेगा वो करेगा अपना टाइम बर्बाद करेगा तो टाइम बर्बाद करेगा तो इससे अच्छा तो भैया वो हमारे से ही सेटल कर लेगा हमारे से ही सेटल कर लेगा तो चालीस पचास हजार रुपए हम दबा दें और यही है लोग फैशन करता है वो ऐसा चार सौ बीस आदमी है जितना भी उसका लॉस होता है वो कैलकुलेट करता है हर तीन महीने के अंदर अंदर कि भैया मैंने इतना अपनी सैलरी निकाली अपना ये करा अब मेरे को तीन महीने के अंदर मेरा जैसे मान लो एक्सपोर्टर्स ने फोर लाख रुपीज़ लॉस कर दिया है तो फोर लाख रुपीज़ लॉस कर दिया तो फिर एक जैसे इफ आई एम मेकिंग अ स्टाइल लाइक दिस डेनिम जैकेट राइट एंड द कंपनी वॉट इट डज इज दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ द जैकेट दे मेक इट इन साइड एंड देन ट्वेंटी फाइव परसेंट इट टू वन वेंडर दे ट देना देंडर तो पच्चीस परसेंट एक वेंडर को दे दी पच्चीस परसेंट मान लो मेरे को दे दी बनाने के लिए अब मैंने बना के दे दी मेरी जैकेट बिल्कुल सही है ठीक है मेरी जैकेट दूसरे बंदे ने बनाई उसकी भी जैकेट सही है आलोक वाले जो बनाई क्योंकि उसके जो लोग हैं वो ऐसे ही उनको सीधी स्टिचिंग भी नहीं आती उसने बनाई वो खराब हो गई उसकी वजह से एक लाख रुपये डेबिट लग गया तो ये माशा क्या करता है पेमेंट जो है तीन तीन महीने चार चार महीने दबा के रखता है ताकि जो है मतलब जो वेंडर है ही कीप्स ऑन वर्किंग अब तीन चार महीने काम कर लिया अब तीन चार महीने काम कर लिया तो पैसे वो देता नहीं है क्योंकि उसको पता है थोड़ा थोड़ा देता रहो थोड़ा थोड़ा देता रहो तो इसमें ये है कि वो तीन महीने में कैलकुलेट करता है या चार महीने में कैलकुलेट करता है तो चार महीने में कैलकुलेट करता है भैया इतना लॉस हुआ तो फिर वो अपने वेंडर को बताता है कि भैया इसमें तो मेरे को इट वॉज अर्जेंट अब वो बोल देगा जैकेट को पहले तो बताएगा नहीं अब तीन चार महीने बाद बताएगा इट वॉज एन अर्जेंट पीस दिस जैकेट तो मेरे को एयर से भेजनी पड़ी एयर में मेरे पैंतालीस हज़ार रुपये खर्च हो गए तो वो सारे के सारे आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने लेट बना के दी तो आपने लेट बना के दी तो भैया स्यापा हो गया आपका वहीं उसका जो है लोग फैशन का मालिक भी ऐसे ही है एक नंबर का चूतिया वो सिर्फ ये है कि इसकी वाइफ थोड़ा चला रही है क्योंकि भाई औरत को देख के लोग चुप हो जाते हैं तो हर जगह अपनी औरत आगे कर देते हैं ठीक है ना वेरी बैड वे ऑफ डूइंग बिजनेस बट ये सब कहते हैं मोदी को पकड़ो अरे तुम्हारे पास कोई फोरम ही नहीं है इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए क्योंकि जो है देर इज अ गैप कि कौन मैं कोर्ट जाऊंगा बताओ चालीस हजार पचास हजार के लेके कोर्ट में जाऊं कोर्ट में जाऊंगा भैया इतना टाइम बर्बाद होएगा दस साल के अंदर सेटल होएगा मामला ठीक है तो कौन जाए इतना तो भैया मैं अपना एक महीने के अंदर लॉस पूरा कवर कर लूंगा तो ये चीज़ है तो एनी थिंग सेड एंड डन तो ये इतना हरामी बंदा है कि उसके अंदर जी उसका जो बंदा है वो उसको बताएगा नहीं आपको कि भैया एयर फेयर लगाया या ये हुआ है या वो हुआ है आपसे काम करवाता रहेगा तीन महीने चार महीने और चार महीने के बाद आपको एकदम से बताएगा एकदम से बताएगा उसको देख कैलकुलेट कर लेगा कि भैया मैंने दो लाख दो लाख दो लाख अपनी सैलरी निकाल ली अपनी वाइफ की सैलरी निकाल ली अपने खर्चा पानी निकाल लिया नेट बैलेंस शीट में कितना लॉस हो रहा है दो लाख रुपये लॉस हो रहा है चलो प्रतीक को एक लाख रुपया लगा दो कि भैया लेट पेमेंट थी आपका इतना लॉस हो गया दूसरे को पकड़ लो उसको इतना लगा दो फैब्रिक वाले को लगा दो कि भैया आपने डिलेड आपने मेरे को फैब्रिक दी थी एक फैब्रिक वाला तो इतना वो मायूस हो गया था कह रहा था मैं तो आत्महत्या कर लू तब जाके उसको पेमेंट हुई थी ठीक है और फिर ये हर एक टाइम नया वेंडर ढूंढते हैं नया वेंडर ढूंढते हैं नया बायर ढूंढते हैं जैसे इफ आई एम वर्किंग विद मार्क एंड स्पेंसर्स इन यूके, के और मे बी लेट्स लाइक से वी आर एस ओके तो उनके साथ कब तक मैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाऊंगा एक दिन तो वो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे तो so, जब धक्के मार के बाहर निकाल देंगे तो फिर मैं दूसरा बायर पकड़ूंगा फिर तीसरा बायर में फोर्थ बायर फिफ्थ बायर तो ये कहानी ये अपनी शुरू रखते ही रखते हैं ठीक है तो एक चीज ये हो गई दूसरी बात इसने क्या कर रखा है इसने सब बिल्कुल मिली जुली इनकी जो है कॉन्स्परसी है ये मिली भगत है इनकी तो ये पता है क्या बोलेगा इंद्रजीत को बोलेगा अरे अगर जैसे मान लो अगर इन्होंने इनकी कंपनी की गलती है मान लो जैसे इफ इज मेड द जैकेट और इस जैकेट का मतलब ये वाला कॉलर थोड़ा चार इंच इन्होंने कटिंग में शॉर्ट दे रखा है तो बोलेंगे अरे यार अगर इसमें गलत था तुमने तो मेरे को आके क्यों नहीं बोला डायरेक्ट तो मेरे को आके क्यों नहीं बोला डायरेक्ट मतलब ये ये बोलता है कि, कि गलत हो जाए ये सब नोटंकी होती है इनकी और कुछ नहीं बोलेंगे आप मेरे को आके बोलो डायरेक्ट क्या आप तो मेरे पार्टनर हो आप मेरे ये हो आप मेरे हो अगर आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं मेरे को मैं एक्शन ले लेता ठीक है सब नोटंकी ठीक है और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं उस नोटंकी को बोलेंगे कि ठीक है आपने मेरे को नहीं बताया इसलिए आपकी गलती है ठीक है उसके बाद फिर वो डेबिट लगा देता है डेबिट लगा के बस चंपत फिर उसके बाद कौन पूछता है ठीक है ना तो हर बार नया वेंडर हर बार नया बायर हर बार नया फैब्रिक सूरत वाले इतनी गंदी गंदी इमेज लिखते हैं लोग फैशन के बारे में कहाँ है फोरम टू एड्रेस दिस वेयर इज सब नटवर लाल घूम रहे हैं जो है कानपुर के यहाँ जो होते हैं बड़े बड़े ठग जो होते हैं वो बुला रखे हैं उन्होंने अपनी मैनेजमेंट में और ये बोलते हैं मोदी मोदी अरे तुम मोदी करेगा तुम्हारे को सही तुम दुनिया से लूटपाट करने में लग रहे हो चार सौ बीस करने में लग रहे हो ऐसे नहीं इतने सारे फैब्रिकेटर्स हैं जिसको अलोक फैशन ने बर्बाद करा हुआ है अं सुनवाई है इस कंट्री में कोई सुनवाई नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं और फिर अपने जीएम को फायर करने की क्या स्ट्रैटेजी इनको मैं बताता हूँ आपको तो ये क्या कह रहेगा जैसे कोई स्टाइल आई उसको बोल देगा कि अर्जेंट है इंद्रजीत तो उसके कान भर देगा कि भैया यार जीएम को क्यों पैसे देने यार दो तीन लाख रुपए जीएम को क्यों पैसे देने जी एम को हटाओ ठीक है क्योंकि वो कानपुर का ठग इज द मेन ठग जो नाटा आदमी होता है ना उस पर कभी भरोसा नहीं वो किसी का नहीं होता है, नाटा आदमी सही बोलते हैं एक तो जो बिल्कुल गंजा खुरा और एक नाटा आदमी और एक काला पंडित तीन चीज होती है ना इनसे सही बात बोली नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम क्योंकि मैं उसको एनालिसिस अना, करी है तो उसके हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि जो नाटा आदमी होता है ना जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा नीचे होता है जमीन के मूली की तरह <laughs> तो मूली को कोई नहीं पढ़ पाता कि भैया कितनी नीचे से निकलेगी लंबी मोटी कैसी कैसी नहीं तो ये चीज़ है तो जेम को फायर करने की टेक्निक यही है तो जब इंद्रजीत कान भर देता है उसके वो भी नाटा ही आदमी है तो जब उसके कान भर देता है तो वो बोलता है कि अच्छा अब क्या किया जाए तो कहता कि ये स्टाइल अर्जेंट है आप ऐसा करो एक हजार पीस आप जो है फटाफट बना दो दो दिन के अंदर अंदर अब जीवन जीएम की तो ऐसी की तैसी होगी भैया दो दिन में कैसे बनाऊँ मैं एक, एक हज़ार पीस तो एक हज़ार पीस है तो उसको भगा देता है माने सर कि वहाँ फैब्रिकेटर मिलेंगे तो जी भागता है माने सर अब माने सर भागता है तो उसको मेरे को भी पता है कि उसको मिलना तो है नहीं चलो आठ सौ सौ पीस कर देगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो दो सौ पीस डेढ़ सौ पीस के बाद में इश्यू बनाएगा कि भैया ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है यू आर नॉट रनिंग इट प्रॉपरली और फिर उसको फायर कर देगा तो अभी हायर कर रखा है उसको ढाई तीन महीने के बाद उसको कतलेआम तो सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डूइंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज सिस्टमैटिक गैंगिंग अप ऑफ टुगेदर ऑफ डूइंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज सिस्टमैटिक जीएसटी वायलेशंस क्योंकि जीएसटी वायलेशंस होती हैं क्योंकि उसमें होता है कि 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए हु इज गोइंग टू एड्रेस ऑल दिस फिर जाते हैं अरे मोदी मोदी ने नहीं किया हमारे लिए मोदी ने अरे मोदी क्या करेगा तुम साले जो है बैंक फ्रॉड कर रहे हो तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो तुम वेंडर्स के साथ फ्रॉड कर रहे हो तुम बायर्स के साथ फ्रॉड कर रहे हो यू आर द वन ब्लैक होल दैट इज सकिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड Economy ka, jo, is because of these kind of businesses and business people that have no kind of what do you say, uh, no kind of uh barrier where you can filter them out, and no kind of barrier wherein people are able to address, okay, this is what is happening. So, I don't know where this country is heading. As long, as long as these kind of people exist, then I don't think India has a bright future.